अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू studyhigh.pk एंड सब्सक्राइब कीप इन कॉन्टैक्ट फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने MBBS और BDS की सेकेंड लिस्ट अपलोड कर दी है, जिसमें उन्होंने जितने भी तुलबा जो कि अपग्रेड हुए हैं उनका जिक्र किया है, मेरिट का जिक्र नहीं किया। टोटल 48 न्यू एंट्रेंट्स हैं इंटू MBBS, जबकि BDS में काफ़ी ज़्यादा बच्चे न्यू आए हैं। तो 48 बच्चे ऐसे हैं जिनका अब MBBS में एडमिशन हुआ है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पहली लिस्ट में उनका MBBS में नेम नहीं आया, जाहिर बात है उनका BDS में नेम आया था, उन्होंने BDS में फ़ीस सबमिट की, अब वो BDS से अपग्रेड होकर MBBS में आ गए हैं। तो वो स्टूडेंट जो कि वेटिंग लिस्ट में थे, अब वो वेटिंग लिस्ट से आए हैं BDS में, अगर उनका एग्रीगेट बना आने वाली लिस्टों में, वो BDS से फिर उठकर आएंगे MBBS में। अगर कोई बच्चा BDS में फ़ीस सबमिट नहीं करता तो इसका मतलब है वो MBBS के लिए भी नाअहल हो जाएगा। सो अगर आपका BDS में नेम आता है तो आपने फ़ीस सबमिट कर देनी है। ओवरसी की लिस्टें, कोयटा सीट, रेसिप्रोकल के अलावा, क्योंकि इन्हीं बच्चों ने रेसिप्रोकल में भी अप्लाई किया है, अगर ये रेसिप्रोकल की लिस्टें अपलोड करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस वाले, तो फिर वही हिसाब होगा जो कि FMDC शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में हो रहा है। बच्चे जा ही नहीं रहे, एग्रीगेट नीचे आ ही नहीं रहा। तो ये लिस्ट है, 48 न्यू बच्चे आए हैं जो कि MBBS में, DG Khan NID, इसके अलावा जो डेंटल के कॉलेज हैं वहाँ से उठकर आए हैं DG Khan में, और DG Khan वाले अपग्रेड होकर ऊपर चले गए हैं, ऊपर वाले ऊपर और सबसे ऊपर, इसी तरह से ऊपर जाने का प्रोसेस कंटिन्यू है। तो आपने अपना नेम देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपग्रेड हो गए हों या आप BDS से उठकर MBBS में आ गए हों। सो 48 न्यू बच्चे हैं, आप मेरिट ऑटोमेटिकली काउंट कर सकते हैं। होप यू बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज, लाइक सब्सक्राइब शेयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।